लेट्स सी कितना कर पाती है स्कूटी। गश्तों पे भैया 300 किलोमीटर कवर करने हमने अभी। सुबह के आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है, और टाइम बिल्कुल टाइम कितना हो रहा है, तो अभी हो रहा सुबह के 5। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और आज थोड़ा सा प्लान अलग सा है। मतलब अभी तो हमारी एक कार सेट हो रही है, इस पर मैं जाऊंगा विपुल के घर तक, और वहां से हम निकलेंगे स्कूटी पे। मतलब अभी भी नींद है यार, आँखों में नींद। ओ भाई साहब, तो वैसे हम निकलने का टाइम हो रहा है, तो अभी सामान एडजस्ट करते हैं और बाकी कहानी में तो कार के अंदर बैठी बताता हूँ। तब तक लिस्ट ट्यून, थोड़ा मूवी धो लूँ। चलो क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ओ भैया क्या कर रहे हैं? भाई साहब लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब कैमरे में मुझे आइडिया है, पर मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है लाइट आती कैसे। थोड़ी बहुत आई है, बाकी कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट हो रहा है बिल्कुल एकदम। ये देखो अभी हो रहे हैं 6:26 इन द मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं विपुल और मैं, हाँ विपुल के घर, मतलब विपुल की दादी के घर, मतलब दादी मेरी भी हूँ, हम दोनों भाई हैं जो कि कजन्स। हाँ तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दादी के घर, वहाँ से हम उठाएंगे गश्तों। अब लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा गश्तों क्या है। तो गश्तों ना महिंद्रा की स्कूटी आई थी बहुत पहले, फिर उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, पर आई थी वो, तो हम उसे लेके जाएंगे दिल्ली। तो आई डोंट थिंक सो कि किसने यूट्यूब पर डाला होगा गश्तों पर लॉन्ग ट्रिप, क्योंकि आज की ट्रिप ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की होने वाली है। बाकी मैं अभी भी उठाऊँ तो आखिरी कैसी हो रही थी, बिल्कुल ही मतलब नींद आ रही है मुझे। बाकी हॉर्न हॉर्न की तो यार सुबह सुबह मतलब 7 बजे और हॉर्न देख रहे हो क्या, पै 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 पै, गलत जगह में। हाँ ट्रक वाले ने गलत जगह में आ रही, चला लो चला लो। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो हमारा प्लान जो आज का, अभी हम जाएंगे दादी के घर, वहाँ से उठाएंगे गश्तों, उसके बाद विपुल अपनी गाड़ी में, मतलब विपुल मौसी और अपनी गाड़ी में आएंगे, और मैं लेके जाऊंगा गश्तों। पहले तो हम जाएंगे हड़की पौरी, अपने जरा पाप धोएंगे, जितने भी हम हाईवे पे मच्छर मारते हैं उन सबके पाप धोएंगे, उसके बाद फिर अंधेरा हो गया यार। लाइटनिंग का बहुत प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए, तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की राइड होगी ऑलमोस्ट, कोई ऐसा। और मेरे को ये भी नहीं पता कि स्कूटी कैसे परफॉर्म करेगी, हो सकता है बहुत अच्छा करे हाईवे पे परफॉर्म, हो सकता है कि भगवान जाने कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि मैंने आज तक खुद इसे कभी हाईवे चलाया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने सिटी में चलाया, सिटी के हिसाब से पावर ठीक थी, हाईवे के हिसाब से आज बस लेगा कैसे चलेगी, क्योंकि लगातार स्कूटी भी हम खींच नहीं सकते, बीच में गैप ब्रेक लेना ही पड़ेगा हमें 100-150 किलोमीटर पर, क्योंकि देखो हमारी बाइक्स में कूलेंट वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है, पर स्कूटियाँ यार ओवर हीट हो जाती हैं। और जिनको नहीं पता कि अगर आप स्कूटियों पर अगर लॉन्ग ट्रिप करते हो, तो हमेशा एक ट्रिप के बाद ना 300-500 किलोमीटर के बाद भी आप उसे लंबा खींच के जाओ ना, ऐसे सिटी में अगर 400-500 खींचो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे एकदम से मतलब आज निकली फटाक से तुमने खींच दिया 500 किलोमीटर महंगा सीधे सीधे हाईवे पे, तो भैया जाके सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करना, क्योंकि स्कूटियों का इंजन ऑयल बहुत जल्दी उड़ता है, क्योंकि वो अब आप उसको ज़्यादा वर्क कराओगे ना तो वो जल्दी फूटता है। हमारी बाइक्स आजकल हैवी ड्यूटी आ रही है, हमारी सारी चीज़ें मतलब आप कार से बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में गियरिंग का फायदा होता है, उनके स्कूटियों के पास नहीं होता, वो एक ही गियर पे लिमिटेड है। तो जब भी अगर आप लॉन्ग ट्रिप मारो तो जाके सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करना कि लेवल कम तो नहीं हुआ, हुआ है तो टॉप अप कर लेना। ग्राउंड की भीड़ देख रहे हो, बाप रे बाप इतने लोग। बस तो आगे हाथ पे, सबसे पहले तो अपना बैग डालते हैं इधर, तमीज से ग्लव्स पहनते हैं, बाकी तो मैं पूरा पैक हो गया हूँ, पूरे गियर में पहने, नीचे पजामा इसलिए पहना है क्योंकि मैं अभी हरिद्वार जाके नहाऊंगा, वहाँ जाके जीन्स पहनूंगा, पर अभी के लिए फ़िलहाल यही वाला वो हो गया सेटअप मेरा। तो फिलहाल अब चलाते हैं गश्तों को, तो गश्तों में तेल इस ऑलमोस्ट आई डोंट नो। तो अभी हम हैं हरिद्वार हाईवे पे, विपुल पीछे वेट कर रहा है, और देखते हैं कि बाइक स्कूटर भी कितना माइलेज देगी। तो ऑलमोस्ट स्कूटी है मेरे हाथ पे 9603 पे, 9603। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं यार स्कूटी पे। तो टंकी में तेल थोड़ा कम है, अंक मौसा जी कह रहे थे कि आधी टंकी है, पर आई डोंट थिंक सो कि आधी टंकी भी है, क्योंकि अभी लाल डंडे पे आ गए, तो जहाँ अगला पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ गाड़ी रोक देंगे। और हवा भी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा हल्की फुल्की ऊपर नीचे लग रही है, क्योंकि झोंका खा रही है स्कूटी। बाकी मैं अपना वाइजर अभी साफ़ कर रहा था, इतनी ज़्यादा स्क्रैच पड़ गए ना, इतने ज़्यादा स्क्रैच, तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि भगवान जाने क्या है, क्योंकि ऐसा था ना कीड़े पड़ते हैं ना, तो मच्छर हम हाई स्पीड में होते हैं 100+ की, तो फटाक से स्क्रैच मारते हैं लेंस पर, तो मेरे को ये बदलना पड़ेगा अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं 60 पे, और बाइक स्कूटर इज़ गोइंग लाइक मक्खन। बाकी अगर मेरे हिसाब से आप हाईवे कभी भी आ रहे हो, तो डेफिनेटली अपने गियर्स पे ज़रूर इन्वेस्ट करो, स्कूटी पे करो ना करो, बाइक लो,
स्कूटी लो भाई, लूना लो, कुछ भी लो, पर डेफिनेटली अपने गेयर्स में जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हद तक बचाते हैं। क्योंकि जब भाई जान है तो जहान है, सीधा बात, मेरा तो यही मानना है। अब मेरे को पता है मैं रोड में महंगा, लोग मुझे ऐसे देखेंगे भाई क्या कर रहा है। तो बाय द वे इसकी ना नंबर प्लेट अभी हाईवे रुक गई, टूट गई थी। तो बाइक एक्चुअली 70 पे क्रूज कर रही है, एकदम परफेक्ट मक्खन। गज तो पे भैया 300 किलोमीटर्स कवर करने हमने अभी। तो वी आर एट ऋषिकेश जाकर 31 किलोमीटर है, टंकी में लाल डंडा चमक गया, और हरिद्वार 37 किलोमीटर्स। तो यार 6 किलोमीटर का फर्क है क्या? बस मैं रुक नहीं रहा हूँ, चूँकि पुल और कवर कर ही लेंगे, चूँकि वो कार पे, मैं जाके सीधे पेट्रोल पंप पे रुकता हूँ किसी, वहाँ से कराता हूँ फ्यूलिंग, क्योंकि लाल डंडे पे चल रही है स्कूटी। मैं ही चाहता कि कहीं रुके बंद हो। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, स्कूटियाँ वैसे होती बहुत कंफर्टेबल है, बस हाईवे में आपको एक ही चीज़ में दिक्कत होगी, वो होगी क्रूजिंग स्पीड, क्योंकि आपको बहुत लिमिट है। मतलब 70 भी इसकी वो वाली क्रूजिंग है, जो मैं इसे मतलब इसके आगे जा नहीं सकती। इसके मतलब 71-72 में ऐसा लगेगा को भगाने लग गया, मतलब ये वैसी वाली क्रूजिंग में चल रहा हूँ मैं, कि बस की मतलब ये लगा लूँगी इसके आगे नहीं है कुछ। एक तो स्कूटियों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसकी टंकी की, टंकी 5 लीटर की है, एक्यूरेट 5 लीटर्स, और वो 5 लीटर ना आपको फील होता है जब आप लंबा जाते हो, जैसे यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली फील होगा अपनी गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई कि भाई दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये जो दिक्कत है ना, चूँकि आपको कुछ नहीं पता कहाँ फ्यूल मिले कहाँ ना मिले, ये किसी को भी नहीं पता। तो अभी देखते हैं कि गाड़ी में बोतल पड़ी होगी तो 1-2 लीटर एक्स्ट्रा रख लेंगे। और 70 में क्या बढ़िया क्रूज़ कर रही है गाड़ी। तो जब भी आप चलो ना, तो आप हमेशा याद रखना कि आपके आसपास ना गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड में निकलेंगी, तो हमेशा ना अपने आँखें इन में बनाए रखना, क्योंकि पिछले ओवरटेक करते हैं, मतलब बहुत लोग झोंका सा मारते हैं ना हाईवे पे, तो वो गलत बात है। कार वाले की हमेशा गलती नहीं होती, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई टू व्हीलर वाले गलती करते हैं, बहुत बार क्या मैक्सिमम आजकल तो यही हो रहा है, क्योंकि लौंडों के आदमी बाइक आ गई है, दाएं बाएं देखते नहीं है, फटाक से यहाँ डालते हैं, फटाक से यहाँ डालते हैं, तो वही वाली बात है। तो अभी हम हैं नुन्नू वाला कह रहा सही है। क्या रखना कि 9612 एक्यूरेट पे टंकी फुल हो रही है, 9612 पे गले तक भर जाए एकदम, बढ़िया है। निकलता हूँ क्योंकि मौसा जी और पकड़ लेंगे मेरे को, क्योंकि वो है कार पे, मैं हूँ स्कूटी पे। कैमरे को स्कूटी में करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई, वो तो कुछ कर नहीं सकते, पर ये है कि आप कर सकते हो। करने वाले भाई स्कूटी लद्दाख लेके जाते हैं, ये तभी मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अगर आपको कुछ करना है ना, ज़रूरी नहीं आप पे बड़ी बाइक हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पे स्कूटी हो, बड़ी बाइक हो, बहन का हार्ड ले लो, बुलेट लो, बहन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपका बजट छोटा भी है ना, और अगर आप चाहते हो लंबी राइडों पर जाना, तो आप जा सकते हो, और डेफिनेटली जा सकते हो, कोई बिना विदाउट एनी इशू आप जा सकते हो किसी भी बाइक पे। 3 चीज़ों का याद रखना है आपको किसी भी बाइक में जाओ, एक कि आपका इंजन आपको कितना अलाउ कर रहा है एक टाइम पे जाने पे, मतलब जैसे मुझे इसका कंफर्म है कि ये 100 किलोमीटर पे मांगेगी कि मुझे रोक दो, तो 100 किलोमीटर में मुझे इसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, 5-10 मिनट का हल्का फुल्का, 20-30 मिनट का मुझे इसे रेस्ट देना पड़ेगा 100 किलोमीटर पे। वैसे आपको पता करना पड़ेगा आपकी बाइक स्कूटी कितने किलोमीटर पे जाके बोलती है कि मेरे को हल्के चला, मतलब मेरे को रोक दो। उसके बाद भाई आपकी टैंक की कैपेसिटी कितनी है और माइलेज कितना है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई रास्ते भर में कितना फ्यूल लेगे, चूँकि उस हिसाब से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। जैसे मुझे डलवाना पड़ा अभी, इंडियन ऑयल से मैं नहीं डलवाता, मुझे रिलायंस पसंद है, तो पर मैंने डलवाया। जाओ भाई जाओ। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्रूजिंग स्पीड, और वो सब आप पे डिपेंड करता है। आगे देख रहे हो लौंडों को, पता नहीं किस बात को देख के चौड़ भाग गए पागल उतरा भाई साहब, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, ना हेलमेट है सर पे, हीरो बन रहे हैं, टांगे यूज चौड़ी हो रही है, बड़ा महंगा ऐसा, पता नहीं क्या डाल रखा होगा अंदर गलत आ गया बट गलत लगेगा सबको चलो एनीवेज फैशन है ना, वो लॉन्ग ट्रिप मारने में बजट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन सी गाड़ी लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्प्लेंडर लो, एंटॉक लो, स्कूटी लो, वैंकर अगर बजट है बड़ी बाइक लो, डेफिनेटली लो, अगर बजट नहीं है छोटी बाइक पे भी कर सकते हो भाई।
अगर आप बाइक पे खर्चा कर पा रहे हो ना, तो देखो ऐसा 6-7 हज़ार रुपये ना अलग से निकाल लो अपने लिए। भाई गियर तो ले ही लो आप, मतलब सस्ते 7 हज़ार रुपये में आपके गियर आ ही जाएंगे। ऊपर से आप ले लो, चलो भाई राइडिंग जैकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप छोटी चीज़ों में चल जाओ, कोई दिक्कत। आजकल ऑल्टरनेटिव है यार बहुत, आपके पास है वो अपना बॉडी आर्मर आया था 2-3 हज़ार 3.5 हज़ार रुपये के मैक्स, 4 मतलब 3 हज़ार 3.5 हज़ार में अच्छे खासे आपको बॉडी आर्मर मिल जाएंगे। ग्लव्स आपको 1000-1.5 हज़ार में मिल जाएंगे। लेग गार्ड आपको, सॉरी नी गार्ड, ये नी गार्ड अगर देखा चाहे तो 1200-1300 रुपये में नी गार्ड आ जाएंगे। मतलब कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो आपको अलग से निकालने ही है कि आप अपने लिए सामान ले पाओ, क्योंकि वरना आपको बाद में दिक्कत करेगा। क्योंकि आप भाई कहीं भी इन्वेस्ट करो पर इन चीज़ों में तो ज़रूर करो, यही चीज़ें आपको जो हाईवे पर बचाएंगी। 40-80 क्रॉस कर चुकी है, 90 पहुँचेगी, लेट्स सी कितना कर पाती है स्कूटी। आई गेस 90 पर मैक्स आउट हो जाएगी, आई गेस, आई डोंट नो। नहीं यार 80 मतलब 80 क्रॉस कर रही है बहुत है, पर वी हैव टू क्रूज माइलेज निकालना है। क्या बना रखे देखो, क्या आर्ट बना रखी है। मतलब कैमरा लेट ऑन होता है ना, गोप्रो एकदम ऑन नहीं होता। तो हम ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुँच चुके हैं हम लोग, चल रहे हैं विपुलोर, हम चल रहे हैं पीछे, मैं कर रहा हूँ ओवरटेक, मैं आगे हाई स्पीड लेन पे ज़्यादा नहीं रहूँगा भाई, ये टेम्पो वाले से ओवरटेक कर लूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा धीरे चल रहे हैं। क्या भाई कहाँ डाल रहा है गाड़ी, मध्य प्रदेश के आगे से घुमा ही लेता इतने में, ना तेरी गाड़ी निकलेगी ना हमारी निकलेगी, ऐसे तो आगे यू टर्न है। मतलब 5-10 रुपये का तेल चाय के चक्कर में क्या क्या करते हैं लोग, बहन के खुद का भी टाइम बर्बाद दूसरे का भी। भैया ये पहुँचे हम हरिद्वार, भाई साहब देखो क्या भाई क्राउड देख रहे हो, क्राउड कितना ज़्यादा, क्या बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत भाई खूबसूरत। बाकी अभी मैं विपुलों का थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि हमें आगे से यू टर्न मार के इधर आना है। स्नान करते गंगा स्नान, उसके बाद निकलते दिल्ली के लिए। क्या बढ़िया लग रहा है देखो, आई डोंट नो गोप्रो में दिख पा रहा होगा कि दिख पा रहा होगा, क्या बढ़िया लग रहा है। कहाँ रहो भैया, उठ रही क्या भैया। अभी हम जा रहे हैं कोसा घाट, जैसे कि 23 किलोमीटर है। सही है सही है सही है, भैया हम तो पहुंच गए अभी कहाँ पे भैया, वैसे है तो हरिद्वार की पार्किंग में, वैसे हर की पौड़ी की मतलब 1-8 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। फिलहाल भाई कैम धूप में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काला काला आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आ रहा है, पर ठीक है जो भी। फिलहाल अभी पार्किंग से निकलते हैं, हर की पौड़ी पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, फिर निकलेंगे वापस हाईवे के लिए। हर की पौड़ी पहुँच गए, सही चल रहा है हिसाब, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, और पानी का फ्लो देख लो कहाँ पहुँचा हुआ हवा में, हवा देखना क्या बढ़िया आ रही। अच्छा यहाँ की तरफ आओगे तो भाई अपने सामान का ध्यान रखना खुद ही, यहाँ टपने का बड़ी जल्दी टपता है सामान, एकदम से गायब हो जाता है फटाक से, चप्पलें भी नहीं बचती, तो ध्यान रखना भैया अपने सामान का। तो अभी यहाँ पे क्राउड देखो तुम, मेरा माइक थोड़ा वैसा हो गया ना, अभी थोड़ा बड़ा बड़ा सा, तो यहाँ क्राउड ऐसा हो रखा है, बिल्कुल दिखाता हूँ। बाकी विपुल का क्या, आज वो आ गया गेरा। तो फिलहाल अभी के सीन ऐसे हम पहुँच गए हरी पौड़ी, तो फिलहाल हल्की पौड़ी में अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं जगह जहाँ पे स्नान कर पाए अच्छे से, विपुल भी ढूंढ रहे हैं, और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लिटरली जगह ढूंढनी पड़ेगी हमको, ऐसे बीच में घुसना पड़ेगा किसी के। क्राउड देखो भाई, भीड़ बाप रे बाप। तो फिलहाल स्नान करते हुए मिलते हैं, आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही होगी ऊपर से, इतना कैमरे में मतलब फोन वाले कैमरे में इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आ रही है, पता नहीं काली काली वीडियो आ रही है, बहुत तेरे को बाद में पता चलेगा। बाप रे, बंदा यहाँ पे रेडी हो रहा है, मौसी और जाने के अभी, इसके बाद हम दोनों जाएंगे। ये और मैं
मैं सोच रहा हूँ पानी बहुत ठंडा है, पता है मैं टांगों में डाला ना पानी फट कर, वो बाप रे बाप ठंडा, चिल आगे खुल जाएंगे इसको नींद आ जाएगी।